हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मस्ट। दोस्तों अज असी गल करांगे जिहड़े भी बच्चों ने मास्टर कैडर का एग्जाम दिता है उन्होंने टेंशन है इंग्लिश की कट ऑफ की। सो अज मैं उन्होंने नाल डिस्कस करूँगी कि इंग्लिश की कट ऑफ किन्नी क जा सकती है तो पिछली बार किन्नी रही सी आप कंपेयर करके देखांगे कि चांसिस बनते हैं और अगर चांसिस बनते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तुम पहले ही रेडी रखो बिकॉज बाद दे विच बच्चों टेंशन ना रहे। सो वो कदे भी हुण रिजल्ट आ सकता है वो सानू कदे भी बुला सकते हैं। सो एक पॉजिटिव वाइब होनी बहुत जरूरी है एक बच्चे दे लई क्योंकि आपां इन्नी मेहनत जिहड़ी कीती है हुण उहदी उहदे रिजल्ट दी वारी है तां आपां उहदी इंग्लिश दी कट ऑफ किन्नी क रह सकदी वो आप एक बार डिस्कस कर लें ताजो थोड़ी टेंशन खत्म हो जाए। ये इदा नहीं है कि कोई बहुत पक्का ही है बट की है कि एक जनरल एस्टीमेट है जो कि सारियां देखते हुए सारा कुछ देखते हुए मैं थोड़ा दसन जा रही हूँ ताकि पॉजिटिव वाइब बनी रहे बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो जर्नल दी जिहड़ी कट ऑफ है इंग्लिश दी ओ देखो इंग्लिश दी जर्नल दी सीट्स बहुत ने। पहली गल तो यह है कि थोड़े लिए बेनीफिट है जर्नल दी सीट्स बहुत ने हुण उन्हां नूं टेंशन होंदी कि साडे विच EWS वाले भी जुड़नगे जिहड़े पिछड़े जिहड़े कमजोर वर्ग हुंदे ने है ना वह भी इहदे विच ही जुड़ जांदे ने जर्नल दे विच और भी जर्नल वाले नूं बहुत औकड़ा आउंदियां ने ते उह प्रॉब्लम्स करके वह बच्चे घबराउंदे ने जर्नल विच कि साडी सीट आएगी कि नहीं। उपरों दी जर्नल वाले दी कट ऑफ भी थोड़ी मतलब हाई रहिंदी बाकियों नालों SC BC में थोड़ी जी छोट मिल जाती है उससे कंपैरेटिवली। तो जर्नल की जी पिछली बार कट ऑफ रही थी 90 समथिंग रही थी ठीक है तो 90 के आसपास वो रही थी बट इस बार बच्चों के क्योंकि मार्क्स वधिया आए हैं टाइम बहुत मिलिया सी बच्चों ने बहुत वधिया प्रैपरेशन की है तो लेकिन जर्नल की फिर भी 800 समथिंग पोस्ट ने एंड यू कैन इमेजिन इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इस करके मैं कह रही हूँ कि 110 B क्योंकि बॉर्डर एरिए पोस्टा ने इस करके थानू थोड़ा जहा ना पॉजिटिव रहना चाहिए था। क्योंकि सीट्स बहुत ने और बॉर्डर एरिए पोस्ट ने सो कई कई प्रॉब्लम भी आ सकती है कई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे नो डाउट उन्होंने नंबर भी होंगे कई जिमें बॉर्डर एरिए रहन दे जिमें जिहड़ियां लेडीज़ हुंदियां ने उन्हां नूं प्रॉब्लम्स भी आ सकदियां ने इदां नहीं है वैसे करना नहीं चाहिए इदां बट फिर भी इदां हुंदा है कई बार अपनी अपनी परसनल प्रॉब्लम्स हुंदियां ने। सो जिन्हां दे नंबर थोड़े घट भी ने वो खुश हो सकते हैं कि उन्हां नूं जर्नल दे विच भी मिल सकती है ठीक है। और SC वालियां नूं तां पता ही है कि उन्हां दे मार्क्स 100 तक है ना अगर तां वो एक पॉजिटिव लाइन लेके चलन और उन्होंने मैनू लगता है कि हो जाएगा क्योंकि और मैनू जर्नल तो लगता है ना कि 120 तक मतलब एक 120 वाला तो पक्का ही लेके चले अपने 125 तक वाला बट जर्नल वाले नू ना अगर वह 110 ने है ना 110 तो उपर वाले सारे बच्चे वो अपने आप को सेफ जोन दे विच मान के चलन और मैनू लगता है कि 800 समथिंग सीट्स ने और अगर नंबर थोड़ा आता है तो वेटिंग दे विच करके भी थोड़ा नंबर आ जाएगा। सो बी पॉजिटिव एंड स्पोर्ट्स वाले नू इदा है कि देखो स्पोर्ट्स वाले तो जिन्हां दे नंबर घट ने तो उन्होंने की होएगा जिन्हां दे नंबर घट है तो उन्होंने ना वो देखेंगे नैशनल उन्होंने किहड़े लैवल ते गेम खेडी है तो मान लो उन्होंने गेम खेडी है अपनी नैशनल लैवल ते तो ओबियसली उन्होंने प्रैफरेंस देंगे नंबर घट है पर नैशनल लैवल पर गेम खेडी है तो प्रैफरेंस उन्होंने मिलेगी और नंबर ज़्यादा भी है तो तुसी अगर नैशनल लैवल पर नहीं खेडते स्टेट लैवल पर खेडते हो तो जोड़े नंबर ज़्यादा आ नंबर घट है ये डिसाइड होएगा स्पोर्ट्स कोटे वाले स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने किड़े लैवल पर गेम खेडी है तो जहाँ के नंबर घट ने वो भी पॉजिटिव वाइब लैके चल सकते हैं। तो यानी कि मैं जोड़ा कुल मिला के एसटीमेट कटिया है 110 अबव वाले बच्चे सारे सेफ जोन के बच नो डाउट उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे होन और एक पॉजिटिव होप लैके तुसी सारे चल सकते हो। सो बी पॉजिटिव मैं जल्दी ही थोड़े लिए एक नवी वीडियो बनाऊंगी जिदे विच मैं दसूंगी कि थोनों की मतलब रेडी रखना है क्योंकि बच्चों ने बहुत क्यूरीज आई और उदे विच मैनू ये पता लग्या कि हले भी डाउट नहीं बिकॉज की आपां लैके जाना है कि नहीं लैके जाना है ना और मैं एक प्रॉपर वेरीफाइड चीज़ ही दसूँगी। सो नैक्सट वीडियो के लिए मैनू थले कमेंट करना लाइक करना और
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ 120 ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਰਹੇਗੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।